हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश उबरे, आपका चैनल अपना चैनल द रियल वर्ड्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने कल आपको वीडियो दिखाई थी, एक मई को मजदूर दिवस था, विश्व मजदूर दिवस था, और छत्तीसगढ़ हेड ऑफ डिपार्टमेंट में 250 मजदूरों को निकाल दी गई थी, जिसने अपनी मजदूर एकता का जश्न नहीं मना पाया, वो आज अपना मजदूर एकता के तहत ताकत के वजह से अपनी जीत हासिल की है और आज अपना जश्न मना रहे हैं। कुछ बातें हमारे दोस्त बताएंगे, मुकेश सिलहरे जी। कमलेश ओगरे जी, आखिरकार मजदूर संघ की जीत हुई है इस, और जो शासन प्रशासन के जो रवैया था वो आखिरकार हार के मुंह देखनी पड़ी है उनको? हाँ, तो वही बता रहे हैं, मजदूर एकता बहुत बड़ी ताकत बताते हैं, तो मजदूर एकता से उन लोग को जीत मिली है और देखते हैं उधर जश्न की तैयारी में। उसी की बात है उन मजदूर भाइयों के लिए कि पुनः उनको काम पे रखा गया है और उसी की इस प्रकार का ठेकेदारी वर्करों के साथ ऐसा बर्ताव न किया जाए। शासन प्रशासन यहाँ पर सभी माता का आशीर्वाद लेते हुए खुशी में आते हुए और सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी जीत हुई है, इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बस आप सब लोग की दुआ थी, इसलिए मेहनत भी किए और जीत लिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुगल सिन्हा है। मैं मजदूर तकनीकी और गैर तकनीकी मजदूर कल्याण संघ का महामंत्री भी हूँ और मजदूर संघ का सलाहकार। जी जी, तो आपका पूरा 250 कर्मचारी को वापस रखा गया? हाँ, मेरे पूरे 250 कर्मचारियों को जो कि HOD में काम करते थे, बीवी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत, उन्हें रितु हॉस्पिटल को रखना पड़ा 250 कर्मचारियों को, क्योंकि हमने उनके लिए बहुत संघर्ष किया था और हमारे जो जो हमारा जो लेटर जो गया था ऊपर से ऊपर लेवल तक, उसकी मदद से और नवीन मार्कंडेय भैया की कृपा से जी ये संभव हुआ। तो इसमें विधायक भी थी जी। जी। तो इसका जश्न आज मना रहे हो? कल तो नहीं मना पाए, कल रात बहुत हो गया था, 8 बज गया था, इसलिए जश्न नहीं मना पाए। आज हम लोग मिलन समारोह और विजय कल क्या था, मजदूर दिवस भी था, नहीं मना पाए। आपको नौकरी से निकाल दी गई थी तो आज मना रहे हैं। इतना जानकारी देने के लिए धन्यवाद सिन्हा जी। देखिए, यहाँ पर सभी मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई है, किस प्रकार से यहाँ पर फटाके फोड़ कर जश्न मनाते हुए, और यहाँ पर नाजायज नहीं होता, जायज ही होता है। और कभी कभी हमको लंबा खींचना पड़ता है, कभी उग्र रूप धारण करना पड़ता है, पीछे हटना पड़ता है, लेकिन इन सब का एक सार है, एक होना पड़ता है। संगठन में थोड़ा बहुत गलती कुछ होता है, उसको अपन बैठ कर चर्चा कर लें, मीन मेड ना निकालें। कभी मैं देखता हूँ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, कई अनर्गलन आरोप आते रहता है, कुछ कुछ आते रहता है। मैं उस नरेश भाई को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने सब झेल करके अपने संगठन को आज इस मंच पर पहुँचाया। जो एकता की जीत है, और मैं आप लोग एकता को बधाई देता हूं, और इसी तरह एकता बनाए रखें, हर एक के दुख सुख एकता बना के रखें, और लड़ाई झगड़ा जो भी होता है किसी का दुख सुख उसमें भी शामिल हो, लड़ाई झगड़ा सब घर होते रहता है, उसको माइंड न करके अपन एक रहें, नेक रहें। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है और सलाह है। जब भी आप लोग जरूरत है, हमारा संगठन यहाँ से लेकर प्रांत तक, हमारे बहुत बड़ा संगठन प्रदेश स्तर का, जरूरत पड़ेगा मैं ले गया से नरेश भाई को वहाँ तक, जरूरत पड़ता है उनको भी मालूम करते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप करते हैं।